क्वेश्चन नंबर थ्री, ये हमसे क्या बोल रहा है कि हमको एक ऐसा पॉजिटिव नंबर निकालना है जो अगर इनको डिवाइड करे, किसको, अगर 3 435 और 339 को डिवाइड करे तो हमारा रिमाइंडर 3 है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो बड़ा वाला नंबर है उसको ए नाम दे देते हैं। तो ए हो जाएगा अपना कितना, 435। ठीक है, जो बी वाला है उसको अपन, छोटा वाला नंबर है उसको बी नाम दे देते हैं, 339। अब अपन को रिमाइंडर चाहिए 3, हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों में से 3 को माइनस करें। तो ए डैश कितना हो जाएगा अपना, ए डैश हो जाएगा 435 माइनस 3। ठीक है, और बी डैश हो जाएगा अपना 339 माइनस 3। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इनकी वैल्यू आ जाएगी 432 कॉमा 336। अब अपन क्या करें, अब अपन इनका निकाल देंगे एचसीएफ इक्विलेट थ्योरम से। ठीक है, अगर इनका एचसीएफ निकाल दिया अपन ने तो अपन को वो ऐसा नंबर मिल जाएगा, सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट पॉजिटिव नंबर मिल जाएगा जो ए को और बी को कितने से अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 है। तो अपन कैसे निकालते थे, फॉर्मूला होता था ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ए की जगह आ जाएगा अपना ए डैश, यहाँ पे अपन ए डैश लगाएंगे क्योंकि अपन को ए डैश और बी डैश का एचसीएफ निकालना। तो ये हो जाएगा 432 इज इक्वल्स टू बी डैश कितना है अपना 336 इंटू 1 प्लस आर, आर कितना हो जाएगा 96। ठीक है, आप लोगों को सही करने के लिए, ये क्वेश्चन कभी गलत ना करने के लिए, आप यहाँ पे रफ वर्क करके ऐसे जैसे अपन लॉन्ग डिवीजन थ्योरम करते थे ना वैसे भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आ जाएगा कितना 432, यहाँ पे आ जाएगा 336। ठीक है, तो 1 जा हो जाएगा 336, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 96। फिर 96 को अपन डिवाइड करेंगे किससे, 336 से, सॉरी यहाँ थोड़ी जगह नहीं है, तो ये 3 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे करेंगे तो 288 हो जाएगा। फिर अपन इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 48 आ जाएगा, और फिर 96 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 जा 96 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 लिख दिया, ये अलग है। ठीक है, तो अब ये अगर एक बार अपन ने कर लिया तो इससे क्या होता है कि फिर ये करने में अपन को बहुत आसानी होती है। 336 को यहाँ पे लेके आओ इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये 96। देखो ये 96 जो है वो यहाँ आ जाएगा, इंटू जो जो 3 आया था अपना, ये वाला 3 आ जाएगा यहाँ पे प्लस आर, आर 48। ठीक है, फिर ये 96 इस तरफ आ जाएगा, 96 इज इक्वल्स टू 48 इंटू 2 प्लस 0। जैसे ये 0 आ जाएगा तो ये वाला जो अपना नंबर है, ये वाला, तो ये हो जाएगा अपना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज एच सी। तो अब इससे अपन को क्या मिला, इससे अपन को ये मिला 48 इज द नंबर, 48 इज द नंबर दैट डिवाइड्स फोर हंड्रेड एंड थर्टी फाइव एंड 339 एंड लीव्स रिमाइंडर 3, लीव्स रिमाइंडर 3। तो हमारा जो नंबर है वो हो जाएगा 48।